आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त शानदार इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं दोस्तों। आप जरूर इसको जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज पीवीसी मेटल बोर्ड की जो ग्लोबल रैंकिंग है उसको हम लोग देख पाएंगे कि आज उसके लिए आप simlabourweb.com जैसे ही आप सर्च करेंगे वहां पे आपको सर्च करना है pvcmeta.io। जैसे ही आप pvcmeta.io सर्च करेंगे, ये जुलाई 2022 pvcmeta.io इसकी ग्लोबल रैंकिंग है अभी 11,22,236 पे ग्लोबल रैंकिंग है इसकी दोस्तों। ये कंट्री की बात करें, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इसकी 74,435 है। मतलब इसकी रैंकिंग कैटेगरी के अंदर रैंक बिल्कुल अभी नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा स्टार्टअप है दोस्तों। कनेक्ट इस वेबसाइट, ये pvcmeta.io से अपना वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है दोस्तों। टोटल विजिट यहाँ पे कितनी बार लोगों ने विजिट किया है, लगभग 48,000 के लगभग यहाँ पे विजिट किया गया दोस्तों। बाउंस रेट 97.88 है दोस्तों। पेज पर विजिट 1.4 है दोस्तों। आउटवेज मतलब कितनी सेकंड तक वहाँ पे रहे दोस्तों, 8 सेकंड तक मिनिमम सभी का वो मतलब सभी 8 मिनट तक वहाँ पेज पर रहे। pvcmeta.ranking वेबसाइट ग्लोबल वाइज ग्लोबल रैंक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे कि ग्लोबल के ऊपर यहाँ पे ये 1 लाख 2 लाख ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर कंट्री रैंक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडिया के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 67-68 के लगभग आ रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पे स्मॉलर रैंकिंग देखिए, यहाँ पे 74,435 pvcmeta.ranking की रैंकिंग आ रही है दोस्तों। इसकी जो हम सभी लोगों ने ये साइट को देख रहे हैं वहाँ की रैंकिंग है दोस्तों। और भी काफ़ी सारी आपको इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम को शेयर कीजिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखिए, मई के अंदर इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं हुआ, जून के अंदर नहीं हुआ है, और जुलाई के अंदर ये काफ़ी सारा 48.3 के लगभग ये चला दोस्तों। क्योंकि फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको देखिए इंडिया के अंदर यहाँ पे 94.72 इसका हाईएस्ट टॉप कंट्री है, यहाँ पे इसको सर्च किया गया है। और लिटुनिया के अंदर 5.28 की लगभग इसकी रैंकिंग आ रही है दोस्तों। तो और भी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे और एज की बात करते हैं, यहाँ पे 18 से लेकर 24 साल के 29.43 के लगभग इसको साइट को सर्च किया है, इसको मतलब इसके ऊपर जाके देखा है। 25 से लेकर 34 में की और एज के अंदर 34% लोगों ने देखा है। और 35.46 से लेके 45 साल के 15% लोगों ने देखा है। और 45 साल की उम्र के लोगों ने 10% के लगभग देखा है। और 55 से लेकर 64 तक 6.94% लोगों ने देखा। और 65 से अबव मतलब जो सभी लोगों को अभी आजकल उम्र की बात करें तो यहाँ तक खतरे की घंटी आ जाती है, खुद 4% लोगों ने यहाँ पे जाके देखा दोस्तों। कोई बुरा नहीं माने दोस्तों, क्योंकि जो एवरेज है वास्तव में एक जो इसके ऊपर जो 18 से लेकर हम लोग 34% के अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पे देखा है उन लोगों का वास्तव में एक भविष्य है। और यहाँ पे देखिए जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए फीमेल 38.19% यहाँ पे फीमेल है और मेल है 61.81। मतलब मेल और फीमेल के ऊपर भी यहाँ पे बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोप देखने को हम सभी लोगों को मिल रहा है। टॉप कंट्री कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, ओदर फाइनेंस, सर्च इंजन, काफ़ी सारे इसके ऊपर सोशल मीडिया नेटवर्क, काफ़ी सारे आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत कुछ देख पाएंगे दोस्तों।